अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लजीज मसाला ग्रिल्स एंड राइस स्टाइल में। 1.5 किलो चिकन ली है मैंने धोकर। मैंने बोन वाली चिकन ली है ग्रिल्स एंड राइस में। आप लोगे तो इस डिश में बोनलेस चिकन होती है उनकी, आप चाहो तो बोनलेस में भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। 1/4 किलो दही ऐड कर रही हूँ, जो कि आप अगर टेबल स्पून से ले रहे हो तो 5 भरकर टेबल स्पून लीजिएगा। अब मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। एक कप तेल गरम हो गया है, इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करें, 2 बादियान का फूल ऐड करें, 2 तेज़ पत्ते ऐड करें, 5 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज ऐड करें। इसमें नमक डालकर हाई फ्लेम पे इसको पिंक होने तक फ्राई करें। पच्चीस हरी मिर्चियां और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट मैंने पीसा है साथ में। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको हाई फ्लेम पर लाल होने तक फ्राई करें। अदरक लहसुन पेस्ट को लाल होने तक फ्राई कर दिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करें, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करें। अब इसको हाई फ्लेम पर भून ले 2 मिनट तक। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करें, मिक्स करें। एक कप इसमें पानी डाल दें। नमक कम लग रहा है, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूं। मिक्स करें और हाई फ्लेम पे इसको एक बॉईल ले लें। देखिए बॉईल हो रहा है। अब इसको कवर करके रखेंगे 20 मिनट तक लो फ्लेम पे। 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें 1 कप हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ ऐड कर रही हूँ और 5 मिनट इसको पकाना है। मिक्स करें।
चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 25 काजू का पेस्ट ऐड करें। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने ग्रेवी को सुखा दिया है। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा इसको सुखा सकते हो। ग्रिल्ज़न राइस में जो ग्रेवी मिलती है वो सूखी भी होती है, गाढ़ी होती है। अगर आप चाहो तो आप भी इसको सुखा सकते हो, गाढ़ी बना सकते हो हाई फ्लेम पे सुखा कर इसको। अब इसमें 200 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम ऐड करें। मिक्स करें। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून देसी घी गरम करके 1 टीस्पून उसमें लाल मिर्ची पाउडर डाली है। अब ये ग्रेवी में ऐड कर दें। गैस ऑफ कर दें। मिक्स कर दें इसको। अब गैस ऑफ कर दें। सर्व करते टाइम इस पर ग्रेटेड चीज, प्रोसेस्ड चीज ऐड करें। चिकन लजीज मसाला ग्रिल्ज़न राइस स्टाइल में तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।